चलिए ब्राजीलियन सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम का एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और जब हमें सर्कमफ्रेंस बनाना है, मतलब जब हमें सर्कल बनाना है, तो मैं बता चुकी हूँ कि जो सर्कल है वो सिमिट्री फिगर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जिस तरह से वो बनता है, अदर क्वाड्रेंट पे भी वह उसी तरह से बनेगा। हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करना इजी होता है, इसलिए हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो है वो कंसिडर करके चलते हैं। तो सपोज एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एंड इफ एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देन इट मीन्स दैट द एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर फॉलो दिस पर्टिकुलर, मतलब दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई द सर्कल ऑफ इक्वेशन। तो सिमिलर मैनर में यहां पर हमें क्या करना है कि हमारा जो फंक्शन ऑफ सर्कल है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल माइनस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब यदि हमें फंक्शन ऑफ सर्कल लिखना है तो फंक्शन ऑफ सर्कल विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ आर स्क्वेयर, राइट। अब यहां पर एक चीज है कि हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को केवल कंसिडर करती हूं तो यहां पर ये जो मेरा पॉइंट है, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट सपोज एक्स कॉमा वाई। क्यों ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि सर्कल ड्राइंग के केस में यदि मुझे क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है तो आई ऑलवेज कम्स फ्रॉम अप टू डाउन, मैं हमेशा ऊपर से नीचे आऊंगी, और जब भी ऊपर से नीचे आऊंगी तो x की वैल्यू तो मेरी क्या होगी, कंटिन्यू इंक्रीज होगी। मतलब ये जो x है वो तो क्या हो जाएगा, मेरा x प्लस वन हो जाएगा, लेकिन जो y है वो या तो फिर इट विल रिमेन y ओनली, या नीचे जाने से जो y है इट विल बिकम माइनस वन, मतलब दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। ये हम सब कुछ लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो यदि ऊपर वाला जो पॉइंट है टॉप पॉइंट, इसके फंक्शन को यदि मैं एफ एन कंसिडर करती हूँ, और जो बॉटम वाला पॉइंट है इसके फंक्शन को यदि मैं एफ ऑफ एस कंसिडर करके चलती हूँ, तो इन दोनों के फंक्शन में मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और वाई की जगह पे वाई के स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई के में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए वाई बिकम्स वाई के, और माइनस आर स्क्वायर आपका एज इट इज हो जाएगा। ये जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एन है वो आउटसाइड द बाउंड सर्कमफेरेंस है, मतलब ये मेरा सर्कमफेरेंस है तो ये वाला जो पॉइंट एन है ये आउटसाइड द सर्कमफेरेंस है, और जो एस वाला पॉइंट है ये कहीं पर इनसाइड द क्या है, इट इज इनसाइड द सर्कमफेरेंस। और ऑब्वियसली जो एक्स कॉमा वाई है, मतलब ये वाला पॉइंट एफ सी, ये कहाँ रहेगा, इट विल बी ऑन द सर्कमफेरेंस, ये कहाँ रहेगा, सर्कमफेरेंस के ऊपर। मतलब यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं, आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस, ऑन द सर्कमफ्रेंस और इनसाइड द सर्कमफ्रेंस, तीन कंडीशन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। एक बार फिर बता रही हूँ तीन कंडीशन कौन सी है, यदि आपका ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, यदि आपका सर्कमफ्रेंस है तो आउटसाइड द बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री और इनसाइड द बाउंड्री। तो ये एन हो गया, ये सी हो गया और ये एस हो गया, ये तीन कंडीशन हमारी हो जाएगी। तो सिमिलर मैनर में आप क्या करोगे, जो एफ ऑफ सिमिलर मैनर में जो एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस कैसे लिख लोगे, एक्स के प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो बढ़ेगा ही, प्लस वाई के माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि वाई इस केस में नेगेटिव होगा, रिड्यूस होगा, और माइनस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारी पर्टिकुलर एफ एस की इक्वेशन हो गई। अब हमें कोई डिसीजन पैरामीटर लेना है, तो डिसीजन पैरामीटर क्या होता है हमारा, डी के, और डी के को हमने बोला कि एफ एन में जब हम एफ एस को जोड़ देंगे तो हमें कुछ वैल्यू जो है वो डी के फॉर्म में मिल जाएगी। तो सिमिलर मैनर में हमने क्या किया, यहां पर डी के में पहले एफ एन की वैल्यू रखी और प्लस लगा के फिर एफ एस की वैल्यू रखी, फिर इस एक्स के प्लस वन को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स के प्लस वन से, और इस वाई के माइनस वन को रिप्लेस कर दिया वाई के, और ऊपर लिख देंगे माइनस वन। इन सबका लॉजिक मैं आपको लास्ट क्लास में सब दे चुकी हूँ कि ऐसा क्यों करेंगे, और कुल मिला के जब हम इसमें जो भी हम प्लस माइनस करेंगे तो वी विल गेट एन इक्वेशन एंड वी विल गिव दिस इक्वेशन नंबर वन।
हम इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर वन देंगे, राइट। तो ये जो इक्वेशन नंबर वन है वो आपकी क्या होगी, जो भी पर्टिकुलर आपने इसको सॉल्व किया है उसके बाद जो आएगी, और ये जो इक्वेशन नंबर वन है वो आएगी डी के। सिमिलर मैनर में नेक्स्ट आपको के को रिप्लेस करना है किससे, के प्लस वन से। इस के की जगह पे के प्लस वन लिख दो, इस के की जगह पे के प्लस वन लिख दो, और इस के की जगह पे के प्लस वन लिख दो। आपको इसकी नेक्स्ट वैल्यू निकालना है तो आपको के को के प्लस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो आपने के को के प्लस वन से रिप्लेस कर दिया और फिर आपके आपके पास डी के प्लस वन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर टू, और आप यहाँ पर डी के प्लस वन में से डी के को माइनस कर देंगे, दैट इज टू माइनस थ्री। और टू माइनस थ्री जब आपने किया तब आपने कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे एंड यू गेट द इक्वेशन नंबर थ्री। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि इक्वेशन नंबर थ्री में वाई की वैल्यू के प्लस वन आ रही है, यहाँ पर भी वाई की वैल्यू के प्लस वन आ रही है। आपको एक चीज पता है कि ब्रैसिलियम सर्कल के केस में के प्लस वन तो होता ही नहीं है, या तो वाई के होता है या तो वाई के क्या होता है, माइनस वन होता है, मतलब के प्लस वन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उस केस में हम यहाँ पर दो केसेस करेंगे कि जब डी के लेस देन जीरो होगा तो हम वाई के कंसिडर करेंगे, और जब डी के ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम वाई के माइनस वन कंसिडर करेंगे। और दोनों कंसिडरेशन में हम अलग अलग वैल्यूज को निकाल लेंगे। देखो जैसे डी के लेस देन जीरो हुआ तो हमने एक्स को बढ़ाया, वाई रिमेन्स एज इट इज, ठीक है ना। और यहाँ पर हम वाई के प्लस वन को क्या पुट करेंगे, हम वाई के प्लस वन को वाई के पुट करेंगे। तो जब आपने थर्ड इक्वेशन नंबर में जब पुट किया तो यू रीच टू एन कंक्लूजन दैट इज डी के प्लस फोर एक्स के प्लस सिक्स। तो ये न्यू वैल्यू ऑफ डी के प्लस वन कब होगी, जब डी के लेस देन जीरो होगा। सिमिलरली जब डी के ग्रेटर देन जीरो होगा तो वाई को क्या पुट करोगे, वाई के माइनस वन पुट करोगे। तो जब आप वहां पर कंक्लूजन पे पहुंचोगे तो दैट इज डी के प्लस फोर एक्स के माइनस वाई के प्लस टेन। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे, आप आराम से इसको कॉपी पेन पे सॉल्व करना, you will definitely get an equation dk plus 4 xk minus yk plus 10। मतलब जब greater than किया तो ये value आई, जब less than किया तो dk plus 4 xk plus 6 आई। अब हमें first initial parameter निकालना है, तो equation number 1 में आप क्या करोगे, x को जो है 0 put कर दोगे और y को r put कर दोगे, तो you will get the first initial parameter of Brasenham circle drawing algorithm, that comes out to be 3 minus 2 r। अब आपको पूरा अल्गो लिखना है। सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, y को r पुट करेंगे, सबसे पहले d0 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3 माइनस 2 r। यदि d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो केस 1 में जाएंगे, x बढ़ाएंगे, y विल रिमेन एज इट इज, एंड न्यू वैल्यू ऑफ dk plus 1 इक्वल्स टू dk plus 4 xk plus 6। सिमिलरली जब dk ग्रेटर देन 0 होगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू माइनस 1 होगी, एंड न्यू वैल्यू ऑफ dk plus 1 इक्वल्स टू dk plus 4 xk minus yk plus 10। इस तरह से आपको ये अलगो करते जाना है अंटिल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू y नहीं हो जाती तब तक आपको ये एल्गोरिथम करते जाना है। क्लियर है आपको? तो मैं यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ और हम सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, दो तीन न्यूमेरिकल करके देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस हम करके देखते हैं। तो सभी मतलब आप सब लोग एश्योर कर ले कि आप सब कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और साथ साथ में आप न्यूमेरिकल को करेंगे। आपको सेंटर ऑफ सर्कल जो है इट इज गिवन एज 0.0 एंड रेडियस इक्वल्स टू 4। सेंटर ऑफ सर्कल इज गिवन एज 0.0 एंड रेडियस इक्वल्स टू 4। ड्रॉ यूजिंग ब्रैसिलियन सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिदम। Draw using circle drawing Brasenham's algorithm. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x equals to 0 put करना है और y is equals to r put करना है। तो उस केस में जो x और y coordinate आ जाएगा that comes out to be 0.4। ये हमारा क्या हुआ, x comma y हुआ, which comes out to be 0.4। अब सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर दैट इज डी जीरो इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आर। अब यहां पर 3 की वैल्यू तो एज इट इज है, माइनस भी एज इट इज है, 2 भी एज इट इज है, और इनटू आर की जगह पे आप लिख दोगे 4। तो 3 माइनस 2 आर मतलब 3 माइनस 8 दैट इज माइनस ऑफ 5। अब आपने देखा
कि डी जीरो की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब केस वन सेटिस्फाई हो रहा है, डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है मतलब केस नंबर वन सेटिस्फाई हो रहा है, केस नंबर वन सेटिस्फाई होगा तो डीके प्लस वन की जो वैल्यू है वो क्या आती है, डीके प्लस फोर एक्स के प्लस सिक्स, याद रखेंगे ये न्यू वैल्यू ऑफ डीके है, इसको नहीं भूलना है, यहाँ पर डीके की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस फाइव, अब फोर इंटू एक्स के, तो एक्स के प्रीवियस वाला मतलब पहली वैल्यू क्या है जीरो और फोर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो इंटू जीरो और प्लस ऑफ सिक्स, तो पॉजिटिव सिक्स माइनस फाइव दैट कम्स आउट टू बी वन, ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, जब डी लेस देन जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू जो है वन से बढ़ती है, मतलब जीरो विल बिकम वन और वाई विल रिमेन एज इट इज, वाई विल रिमेन एज इट इज मतलब वन कॉमा फोर, ये मेरा नया पॉइंट आ गया और डीके की वैल्यू कितनी आ गई वन, मतलब मेरा यहाँ पर डी की वैल्यू जो है वो आ गई वन और जो मेरा पॉइंट आया है वो कितना आया वन कॉमा फोर, बाय जो मैंने आपको अल्गो बताया था उसमें स्टेप नंबर सिक्स क्या है, आपका जब भी पॉइंट मिलेगा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में तो आपको इसके पॉइंट ऑफ सिमिट्री भी निकालने पड़ेंगे, आपको इसके पॉइंट ऑफ सिमिट्री निकालने पड़ेंगे, तो क्या क्या हो जाएंगे पॉइंट ऑफ सिमिट्री वन फोर, उसके बाद अपोजिट पॉइंट फोर वन, फिर एक में माइनस लगाएंगे दैट इज माइनस वन फोर, उसके बाद एक्सचेंज कर देंगे वैल्यूज को तो माइनस फोर और वन, इसके बाद वन फिर पीछे माइनस लगा दो माइनस फोर, उसके बाद फोर फिर माइनस वन फिर माइनस वन माइनस फोर और उसके बाद माइनस फोर और माइनस वन, दिस इज दी एट पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये निकालना जरूरी है अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट नहीं होगा और आपका जो सर्कल है वो भी कंप्लीट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर वापस से आ जाओ कि d इज इक्वल्स टू वन, मतलब इस केस में जो d है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो है, d ग्रेटर देन जीरो है तो वहां पर dk प्लस वन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी dk प्लस फोर एक्स के माइनस वाई के प्लस टेन, ये हमारी नई वैल्यू आती है डीके की, तो उस केस में जो डीके है फटाफट पानी दे दो उसको, डीके क्या है पहले डीके जो है वो है आपका डीके की वैल्यू क्या आई थी वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस, अब फोर लिखा, अब एक्स के माइनस वाई के करना है तो प्रीवियस वैल्यू जो आई है मतलब ये जो वैल्यू आई है इसके हिसाब से, तो वन माइनस फोर यहाँ पर क्या आ जाएगा वन माइनस फोर और प्लस करेंगे यहाँ पर टेन कितना आ गया आपका 11 माइनस माइनस 3 इंटू 4 दैट इज 12, तो आपका आंसर आ गया माइनस ऑफ 1, ठीक। और यहां पर जब d ग्रेटर होता है तो 1 बिकम्स 2 और 4 बिकम्स 3 क्योंकि y को आप रिड्यूस करते हो, तो 2 3 आ गया और माइनस 1 आ गया, मतलब वापस से इसका करूं तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरी d की वैल्यू आ गई माइनस 1 और ये पॉइंट मेरा आ गया 2 और 3, यही आया था पॉइंट, पॉइंट क्या आया था yes, तो अब इसके फिर से 8 पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकाल लीजिए, क्या आएगा 2 3 अगेन देन 3 2 देन माइनस 2 देन 3 देन माइनस 3 और 2, उसके बाद 3 देन माइनस 2 देन 2 और माइनस 3 देन माइनस 3 और माइनस 2, इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक। मतलब आपके ये कितने 7 पॉइंट हुए, तो एक और आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 3, ये 8 पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकाल लेना। अब अगेन डी क्या है लेस देन जीरो है, डी जब लेस देन जीरो होता है तो आप न्यू वैल्यू ऑफ डीके प्लस वन की क्या लिखते हो, ये याद होना चाहिए आपको, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, डीके प्लस फोर इंटू एक्स के प्लस सिक्स, अब डीके क्या है आपका माइनस वन प्लस फोर इंटू एक्स के कितना आया
टू और प्लस सिक्स, तो देख लो कितना आ गया, सिक्स प्लस एट फोर्टीन, फोर्टीन माइनस वन दैट इज पॉजिटिव थर्टीन, और डी यदि लेस देन है तो टू की वैल्यू हो जाएगी थ्री और वाई विल रिमेन एज इट इज थ्री कॉमा थ्री और एक्स बिकम्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर एक्स जो है वो वाई के इक्वल हो गया, इसलिए आप स्टॉप कर दोगे, ये न्यूमेरिकल यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो 3.3 आया है, इस 3.3 की आपको पूरी वैल्यू जो है पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालने पड़ेंगे। यदि 3.3 कोई पॉइंट है तो देखो इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री कैसे निकलेगा, एक पॉइंट तो 3.3 हो गया, अब आपको इसको अपोजिट भी करोगे तो वो एक जैसा ही दिखेगा, तो माइनस थ्री और थ्री, एक आ जाएगा थ्री और माइनस थ्री और एक आ जाएगा माइनस थ्री और माइनस थ्री। जब पॉइंट सेम होंगे तो उस केस में केवल चार ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकलेंगे, क्योंकि बाकी निकलेंगे पर वो ओवर पॉइंट हो जाएंगे, मतलब वो एक ही जैसे पॉइंट होंगे, इसलिए आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। तो ये इस तरह से आप ब्रेसनियन सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हैं। यस मैम, आ रही है बात समझ में एवरीवन, कैसे सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिथम को किया आपको समझ में आया, जितने भी लोग हैं यहाँ पर अभिषेक धीरज शुभम विकी, बिकॉज सर्कल ड्रॉइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको आना चाहिए ये समझ में, ठीक है ना। चलिए अपन और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, एक बार और अभी मैं एक दो न्यूमेरिकल और करवा देती हूँ। आज की क्लास में सिर्फ अपन सर्कल के न्यूमेरिकल ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास से अपन मिड पॉइंट सर्कल को पढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास से। आज मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही करवाऊंगी सर्कल ड्रॉइंग के, ताकि आपको बिल्कुल मगअप हो जाए, याद ही हो जाए, ऐसा बोल दे सकती हूँ मैं, ठीक है। चलिए अमी फोन काट देना, कौन था, चलिए अब आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल, यस मैम, ओके। चलिए अब मैंने यहां पर लिखा कि सेंटर ऑफ सर्कल जो मेरे गिवन है, अगेन आई टेक इट 0.0 एंड रेडियस आई टेक एज 7, ठीक है, ये नया क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो मेरा सर्कल जो है वो 0.0 है और रेडियस क्या है मेरी 7। आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत फटाफट समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहली स्टेप क्या रहती है, एक्स को 0 पुट करेंगे और वाई को पुट करेंगे आर, वाई को पुट करेंगे आर, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हो जाएगा दैट इज 0.7। सबसे पहला पॉइंट जो निकलेगा, एक्स को 0 पुट किया, वाई को आर पुट किया, रेडियस है 7, तो 0.7 ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद मैं सबसे पहले निकालती हूँ फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। वो क्या होता है, फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, जो फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 3 - 2R, तो 3 की वैल्यू तो एज इट इज है माइनस 2 इंटू आर, इंटू आर कितना हो गया आपका 7, तो 3 - 14 दैट इज माइनस ऑफ 11। यहां तक क्लियर है सबको, यस मैम, यस। अब देखो डी की वैल्यू आई माइनस 11, अब यहां से हमारा एल्गोरिथम शुरू होता है कि आपको केस 1 में जाना है या केस 2 में जाना है। तो सिंस डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, डी की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो हम न्यू वैल्यू ऑफ जो डी निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, डी के प्लस 1 इक्वल्स टू, कौन बताएगा मेरे को फॉर्मूला, डी के प्लस 4xk, यस, प्लस 4xk प्लस 6, ठीक, प्लस, तो डी के की वैल्यू यहां पर क्या है, माइनस ऑफ 11 प्लस 4 इंटू एक्स के, अब 4 तो लिख लिया, एक्स के, एक्स क्या है यहाँ पर इनिशियल 0 है तो इंटू 0, मतलब ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी मेरी, और प्लस 6, तो 6 - 11, तो 6 - 11 होता है मेरा माइनस का 5, कितना होता है मेरा माइनस का 5, और यहां पर चूंकि d लेस देन 0 था तो 0 बिकम्स 1 एंड 7 विल रिमेन 7 ओनली, मतलब मेरा अभी d की वैल्यू क्या आ गई, मेरी जो d की वैल्यू है
डी की वैल्यू मेरी आ गई माइनस फाइव और जो मेरा पॉइंट आ गया दैट कम्स आउट टू बी 1.7. आपको भूलना नहीं है, आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी निकालना है. 1.7 तो है ही, अगला हो जाएगा 7.1. फिर एक में पहले एक को माइनस कर दो, आगे वाले को माइनस कर दो, फिर वैल्यू एक्सचेंज कर दो, आगे माइनस ही रहेगा, फिर आप पीछे वाले को माइनस कर दो माइनस वन, फिर आप लिख सकते हो 1 और -7 और एक बार फिर दोनों को माइनस कर दो -1 -7 और -7 -1. इस तरह से करेंगे तो आप बिल्कुल पॉइंट ऑफ सिमेट्री कभी नहीं भूलेंगे, आपके सारे पॉइंट ऑफ सिमेट्री बिल्कुल करेक्ट निकलेंगे. राइट, अब अगेन डी यहाँ पर क्या है, लेस देन जीरो है. मतलब अगेन मैं क्या करूंगी, जो डी के प्लस वन है उसको क्या लिखूंगी, डी के मतलब माइनस फाइव प्लस 4 into xk. अब x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1. देखो यहाँ पर 1 हो गई तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी और प्लस 6 तो कितना हो गया 10 - 5 मतलब पॉजिटिव का 5. और यहाँ पर d लेस देन 0 था तो 1 becomes 2 और 7 जो है वो 7 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि जब d लेस देन 0 होता है तो y की वैल्यू एज इट इज रहती है. ठीक, अब d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5. अब पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकाल लोगे, जैसे 2.7 निकाला था वैसे 2.7 - 2.7 देन 2 - 7 और -2 - 7 -7 - 2 2 - 7 - 7 और -2. इस तरह से पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी निकाल लेंगे जैसे ये निकाले थे इसी तरह से. अब अगेन यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में डी के प्लस 1 क्या हो जाएगा, डी के मतलब 5 + 4. अब 4 into यहां पर क्या जाएगा, xk माइनस yk मतलब ये वाला पॉइंट क्या है 2 - 7 तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 2 - 7 और यहां पर पीछे आ जाएगा +10 क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 होता है तो डी के की वैल्यू होती है डी के प्लस 4 xk - yk + 10. तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे. 15 - कितना आ गया 2 - 7 - 5 और -20 तो अगेन दिस कम्स आउट टू बी -5 और डी के जब ग्रेटर देन 0 है तो 2 will become 3 and 7 will become 6 क्योंकि ये 1 से रेड्यूस हो जाएगा. ठीक है ना, ये 1 से क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा. मतलब मेरा अब जो पॉइंट आया वो क्या आया 3.6 और d की जो वैल्यू आई वो क्या आई मेरी -5. तो सिमिलरली इसके भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकाल लो. पहला पॉइंट आ जाएगा 6.3 फिर 3 और -6 फिर -3 और 6 फिर 6 और -3 फिर 3 और -3 और 6 हो गया, फिर एक हो जाएगा 6 और -6 और 3 फिर -6 -3 और एक हो जाएगा -3 और -6. ये मेरे सारे पॉइंट्स निकल गए. और यहां पर अब अगेन जो अगेन यहाँ पर जो d है अगेन d इज लेस देन 0 तो d लेस देन 0 है तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा नया वाला dk plus 1. अब dk plus 1 क्या हो जाएगा, dk मतलब अगेन माइनस 5 प्लस 4 into 3 क्यों, क्योंकि मेरा xk क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 है और प्लस 6 तो मेरा फिक्स ही है तो प्लस 6. अब देख लो कितना आ गया ये 4 into 3 12 12 plus 6 18 18 minus 5 18 minus 5 किया तो पॉजिटिव का 13 और d लेस देन 0 है तो जो x है वो क्या हो जाएगा 4 और जो y है वो as it is ही रहेगा. सिमिलरली 4, x के सिमेट्री पॉइंट निकाल लेंगे 6 4 - 4 - 6 - 6 - 4 and so on सारे पॉइंट निकाल लेंगे. अब अगेन यहाँ पर d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया तो आप न्यू वैल्यू ऑफ जो dk प्लस 1 है आपकी वो क्या निकलेगी 13 प्लस 4 xk माइनस yk
तो 4 माइनस 6, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि लास्ट वैल्यू जो आई थी वो रखनी है, और प्लस 10, ये 4 माइनस 6 कैसे आया, ये वाले दोनों पॉइंट से, ये पहला वाला पॉइंट था इसमें x के 4 था, y के 6 था, इससे 4 माइनस 6। अब इसको देखो कितना आया, पॉइंट निकालो, 23 और माइनस टू मतलब -8, तो 23 माइनस 8 कितना होता है, 23 माइनस 8 करके देखो 15 आएगा, माइनस का सॉरी पॉजिटिव का 15, पॉजिटिव का 15, और यहाँ पर d की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब 4 becomes 5 और 6 also becomes 5, क्योंकि 6 ग्रेटर के केस में 6 रिड्यूस होगा 1 से, अब 5, 5 मतलब x becomes equals to y, that is stop, पर आपको 5, 5 जो आया है उसके पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालने हैं। इस तरह से आपका ब्रेजनेंस के मैंने दो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व क्लास में करवा दिए, लेकिन दोनों जो मैंने आपको न्यूमेरिकल क्लास में करवाए उसमें दोनों में मैंने जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो लिया था 0, 0। अब मैं एक क्वेश्चन चेंज करके बता रही हूँ कि यदि आपको एग्जाम में ऐसा आता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सर्कल व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज गिवन एज 4, 3 एंड रेडियस इज गिवन एज 4, यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल में, और आपको ध्यान रखना है वो चेंज कहाँ करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। वो चेंज होगा स्टेप नंबर 6 में, जब मैंने आपको अल्गोरिदम बताया था तो आपको ये चीज मैंने बताई थी, यहाँ पर सेंटर 0, 0 नहीं दिए हुए, यहाँ पर सेंटर 4 और 3 दिए हुए हैं, और आपको पता है आप पॉइंट ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हो, एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, तो हमेशा तो क्या होता है एच और के की वैल्यू 0, 0 रहती है, हमेशा तो एच और के की वैल्यू 0, 0 रहती है, इसीलिए यहां पर हम डायरेक्टली एक्स और वाई लिख लेते हैं, लेकिन इस केस में एच जो है वो 4 है और जो के है वो 3 है, तो इस केस में ये पॉइंट 0, 0 नहीं होंगे, यहां पर 4 की वैल्यू आएगी एच की जगह पर और के की जगह पर 3 की वैल्यू आएगी, तो न्यूमेरिकल में आपको ये ध्यान में रखना है। तो न्यूमेरिकल आपको क्या दिया है, 4, 4, 3 और रेडियस इक्वल्स टू 4, तो अब ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इसको, x की वैल्यू को 0 पुटअप कर देंगे और y की वैल्यू को 4 पुटअप कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू r होती है, फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर 3 माइनस 2 r निकालेंगे, और 3 माइनस 2 r निकालेंगे तो 3 माइनस 4 दैट इज माइनस का 5। अब d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, d की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो उस केस में जो dk प्लस 1 होता है वो क्या निकालेंगे, dk दैट इज माइनस 5 प्लस 4 into xk, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर xk 0 है, और प्लस 6, तो आपका आंसर आया पॉजिटिव का 1। अब जो आपके पॉइंट ऑफ सिमेट्री आएंगे लेस देन का केस है, तो 0 becomes 1 और 4 जो है वो 4 ही रहेगा, लेकिन इस केस में जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालोगे वो 1, 4, 4, 1, -1, -4 निकालते हो, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, आप नहीं निकालोगे, क्योंकि आपका यहाँ पर सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं है, वो 4, 3 है, मतलब आपको हर 4 में, मतलब आपका जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा 4 + 1 दैट इज 5 एंड 3 + 4 दैट इज 7। अब आपको इसको 5, 7 के सिमेट्री पॉइंट निकालने, दैट इज 7, 5 - 5 7 देन 7 देन माइनस, वेट अ मिनट, देन 7 एंड देन -5 देन आपका 5 देन -7 देन 7 देन -5 फिर -7, -5 और -5 और -7। कितने लोगों को डाउट है कि मैडम ने 1 और 4 के सिमेट्री नहीं निकालकर
फाइव और सेवन के सिमिट्री क्यों निकाले हैं? ऐसा किसी को डाउट है क्या? तो डाउट हो तो आप अभी क्लियर कर लीजिए। यदि सेंटर ऑफ सर्कल जीरो जीरो नहीं है तो जब आप पॉइंट ऑफ सिमिट्री निकालेंगे तो एक्ससी और वाईसी को उसमें ऐड करना पड़ेगा। देखो एक्ससी वाईसी तो हम हमेशा ही ऐड करते हैं, लेकिन जीरो जीरो के केस में उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए ऐड करने से कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4.3 गिवन है, मतलब आपको ऐड करना कंपलसरी है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे, आपका जो वैल्यू है डी की वो क्या आई है? 1। ठीक है ना, आपकी डी की वैल्यू क्या आई थी? 1। और आपका जो पॉइंट है वो वही कंसिडर करेंगे, आप पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे। पॉइंट तो आपका 1.4 था शायद, पॉइंट तो आपका 1.4 ही रहेगा, पॉइंट ऑफ सिमिट्री अलग होंगे। ठीक है, अब उस केस में डी जो है हमारा क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो डी के प्लस वन क्या निकालेंगे हम? डी के प्लस वन निकालेंगे 1+4 एक्स के कॉमा वाई के, मतलब 1-4 और प्लस टेन। तो यहां पर निकालो कितना आ गया? 11 और -3 और 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। और पॉइंट क्या हो जाएगा? जो 1 becomes 2 और 4 becomes 3। अब आपको इसमें 4 और 3 को ऐड करना है, 2 में 4 को ऐड किया तो 6 और 3 में 3 को ऐड किया तो 6। मतलब अब जो बाकी के पॉइंट निकलेंगे सिमिट्री के वो 6 और 6 से निकलेंगे, 6 6 फिर -6 और 6 6 और -6 और -6 और -6, ये 4 ही पॉइंट निकलेंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम है, आप पॉइंट निकालोगे भी तो वो सेम ही पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक, अब मेरी डी की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई और पॉइंट है 2.3, मतलब डी इज लेस देन 0 और जो पॉइंट है मेरा 2.3 है। फिर से यदि मैं डी के प्लस वन की वैल्यू निकालूंगी तो डी के प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी डी के मतलब मेरा आ जाएगा -1+4 इंटू एक्स के की वैल्यू है 2 और प्लस आ जाएगा मेरा 6, तो 8+6 दैट इज 14 और 14-1 दैट इज पॉजिटिव का 13। और चूंकि माइनस का केस है तो 2 becomes 3 एंड 3 will become only 3, मतलब पॉइंट ऑफ सिमिट्री जो आ जाएंगे वो 3.3 आ गए, मतलब यहाँ पर मेरा अलगो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसमें जब वैल्यू ऐड करना पड़ेगी तो 3 में 4 ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 7 और 3 में 3 ऐड किया तो 6, मतलब पॉइंट ऑफ सिमिट्री जो है 7 6 के अकॉर्डिंग आप 6 7 -7 -6 उसके बाद -6 -7 और इस तरह से बाकी के 4 पॉइंट और निकालेंगे। 4 पॉइंट मैंने निकाल दिए, 4 और निकाल लेना, 7 -6 6 -7 -6 -7 -7 और 6, इस तरह से आपके बाकी के सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल बता दिया है और आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करते आना चाहिए। आई होप आप कोई मिस्टेक इन न्यूमेरिकल्स में नहीं करोगे, आई होप कि आप मिस्टेक नहीं करोगे। मैं एक बार आपको वो जो सिमिट्री वाला पॉइंट एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आपको वो चीज जो है वो एकदम क्लियर हो जाए कि हमने क्यों किया था उसको ऐड। देखो यहाँ पर स्टेप नंबर 6 में क्लियर लिखा है कि यदि ओरिजिन 0 0 है तो आप पॉइंट, आप एक्स और वाई के पॉइंट कैसे निकालोगे? xc+x1 और yc+y1, मतलब यहाँ पर xc और yc 0 0 हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर xc और yc 0 0 नहीं है, मेरे को फोन दे दो एक मिनट, यदि xc और yc यहाँ पर सपोज 0 0 नहीं है तो उस केस में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? आवाज आ रही थी मेरी? यस मैम। ओके ठीक है, फोन आ गया था तो मुझे लगा आवाज पता नहीं आ रही थी या नहीं आ रही थी। सो प्लीज